वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना, वेयर वी विल बी स्टडिंग अबाउट WAG 9 लोकोमोटिव्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, ट्रबल शूटिंग एक्सेट्रा। थ्रू द वीडियोज प्रेजेंटेड बाय ELS लुधियाना, वी विल बी स्टडिंग ऑक्सिली कन्वर्टर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, फॉल्ट डायग्नोस्टिक, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फिल्टर, बर करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट, कैटनरी वोल्टेज एंड कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स ऑफ लोकोमोटिव सर्किट। तो हर एक टॉपिक की एक वीडियो तैयार की गई है जिसमें उस टॉपिक के रिलेटेड सर्किट डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया है और लोकोमोटिव से एक्चुअल फोटोग्राफ्स ली गई हैं। जो भी इक्विपमेंट्स इन सर्किट के बीच में आते हैं और उनकी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ G9 इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ये समझाया जाएगा। तो हर एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो तैयार की गई है जो कि इस लर्निंग सेंटर पे मिल सकती है। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स ऑफ लोकोमोटिव सर्किट्स। तो इसमें आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, बिकॉज इसमें भी दो टाइप के कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स हैं, एक तो पावर कॉन्टैक्टर्स रहेंगे और कंट्रोल सर्किट के कॉन्टैक्टर्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल सर्किट के कॉन्टैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि वो वाले कॉन्टैक्टर्स जो कि मेरे बैटरी वोल्टेज के सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं। कॉन्टैक्टर ये सारे कॉन्टैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 126 कॉन्टैक्टर है। ये एक्चुअली जो नंबर्स हैं लोको में सर्किट डायग्राम में, इन नंबर्स से इन कॉन्टैक्टर्स को जाना जाता है। तो 126 जो है वो कॉन्टैक्टर है कंट्रोल ऑन के लिए, इसको हम कंट्रोल कॉन्टैक्टर ऑन भी बोलते हैं। ये SB पैनल में रहता है, SB1 पैनल में ये लोकेशन है इसकी। ये जो कॉन्टैक्टर है ये 126 कॉन्टैक्टर है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये जो भी बैटरी की सप्लाई है 110 वोल्ट, वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को देता है, जबकि जो कंट्रोल कार्ड्स हैं मेरे, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड्स हैं, उनको ये सप्लाई नहीं जाएगी। ये कुछ MCBs हैं जिनको ये सप्लाई पहुंचाता है। जैसे ये 126 कॉन्टैक्टर है, इसका ये इंटरलॉक है। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कॉन्टैक्टर में, एक तो उसकी कॉइल रहेगी जिसको हम एनर्जाइज करते हैं, तब ये जो NO इंटरलॉक होता है वो NC होता है। तो जो कॉयल की सप्लाई है यहाँ पे ये कंट्रोल्ड है, एक पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी। ये जो सिरा है इसको A1 बोलते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव जो अनकंट्रोल्ड है, बिकॉज नेगेटिव अनकंट्रोल्ड इसलिए है कि नेगेटिव की सप्लाई हमेशा मौजूद रहती है इस कॉन्टैक्टर पे, पॉजिटिव जो सप्लाई है वो कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल्ड मीन्स कि हम इसको जब चाहें तब इसको एनर्जाइज करना है सर्किट के हिसाब से, ये एनर्जाइज होता है। तो ये इसलिए ये कंट्रोल्ड कॉन्टैक्टर है। सर्किट में इसको देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि इसमें 126 की जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ जा रही है। पेंटो और VCB की MCB पे जा रही है। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, ये जो कॉन्टैक्टर है ये सिर्फ कूलिंग मोड में, कूलिंग मोड जब हम करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर पिक होता है। तो उस कूलिंग मोड में हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो
इन इन पार्ट्स पे जाएगी। पेंटो और वीसीबी कूलिंग मोड में हमें चलाना होता है। विजिलेंस कंट्रोल इसका भी, इसको भी ऑन करवाना होता है, क्योंकि अदरवाइज फिर इमरजेंसी एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो प्रेशर ड्रॉप करवा देता है। कैब की फ्रंट लाइटिंग जलानी होती है, कैब वन को पावर सप्लाई देनी होती है, कैब टू को पावर सप्लाई देनी होती है। मशीन रूम लाइटिंग के लिए यहीं से सप्लाई जाती है। प्लस न्यूमेटिक पैनल पे सप्लाई जाती है, बिकॉज न्यूमेटिक ने भी काम करना है। एयर ड्रायर पे सप्लाई जाती है। कमीशनिंग की एमसीबी पे 2448 पावर सप्लाई, ये जो डीसी डीसी कन्वर्टर है वहाँ पे जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ यहाँ पे सप्लाई लेके जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एनर्जाइज कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल्ड कैसे है ये। तो ये वो कॉन्ट्रैक्टर है 126, जैसे मैंने इसको बताया कि A1 A2 इसकी कॉइल की सप्लाई होती है। A2 नेगेटिव रहती है, A1 जो है कंट्रोल्ड है। अब देखिए A1 को सप्लाई तब भी जाएगी जब हम BL, ये जो ये BL का इंटरलॉक है 9 नंबर 10 नंबर, BL1 BL2, देखिए कंट्रोल सर्किट से सप्लाई आई यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गई है। अब ये NO इंटरलॉक है बिकॉज मेरा जो BL की है वो ऑफ पे पड़ा हुआ है। अभी जैसे मैं इसको D पे करूँगा या C पे करूँगा, बिकॉज ये जो 126 है ये D मोड में भी, ड्राइविंग मोड में भी ऑन होता है और कूलिंग मोड में भी ऑन होता है। तो जैसे ही मैं इसको कूलिंग या ड्राइविंग पे करूंगा तो ये जो सप्लाई है, अगर मैं कैब वन की बात करूं, यहाँ से पास करके इस डायोड के थ्रू इस कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करवा रही है। ओके, और ये जो 126.5 है ये नॉर्मली क्लोज्ड इंटरलॉक दिया गया है यहाँ पे कॉन्टेक्टर कंट्रोल ऑफ के लिए। मतलब जब अब तो हम इसको ऑन करवा रहे हैं, जब इसको ऑफ करवाना होता है तो ये वाला जो कॉन्टैक्टर है वो काम में आता है। इसको आगे बढ़ेंगे तो अभी ये, सिंस ये डी एनर्जाइज्ड है तो यहाँ पे इसका एनसी इंटरलॉक लिया गया है, तो सप्लाई सीधी जैसे ही हम डी या सी में करेंगे यहाँ से आके 126 को पिक करवा देगी। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्टैक्टर जो है वो पिक होता है। नेक्स्ट जो कॉन्टैक्टर पढ़ेंगे हम वो है 126.7/1 एंड 126.7/2। ये है कैब वन पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर। कैब वन के लिए SB1 पैनल में है, कैब टू के लिए SB2 पैनल में है। ये वो कॉन्टैक्टर है, ये देखिए, ये 126.7/2 ये कैब टू के लिए है। बेसिकली ये दो, इस जो जो कॉन्टैक्टर है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पीछे ये ग्रे सा दिख रहा है, यहाँ पे कॉयल, इसके अंदर कॉयल रहती है, और ये ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स है। ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स मीन्स एक तो मेन कॉन्टैक्ट जब कॉयल उसकी अप डाउन करेगी, मीन्स ऑन ऑफ होगी, तो उसी के चलते जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO वाले NC हो जाएंगे, NC वाले NO हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो ये 126.7/1 ये कैब वन के लिए, जो कैब वन पावर सप्लाई के लिए कॉन्टैक्टर है SB1 पैनल में, और सर्किट में ये देखें, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सर्किट में ये वो कॉन्टैक्टर्स हैं 126.7/1 एंड 126.7/2। तो अब देखते हैं कि ये जो कॉन्टैक्टर है ये पिक कैसे कर रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो सप्लाई है, ये कॉन्टैक्टर जब पिक होंगे, ये कॉन्टैक्टर जब पिक होंगे तो ये सप्लाई आगे इस तरह से कैब में बांटी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इसके इंटरलॉक 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर, आगे ये सप्लाई लेके जाएगी डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में। देख लेते हैं अब ये ऑन कैसे हो रहा है। देखिए जैसे ये कैब BL की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि 126 को पिक करवाना, ठीक है, जैसे ये एक तो ये D और C में इसको करेंगे, एक तो 126 वो पिक हो जाएगा, दूसरा ये देखिए ये वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा। मान लीजिए मैं कैब वन से कर रहा हूँ तो ये जो इसकी कॉइल को सप्लाई जा रही है, कैब वन का जो पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर है उसको, उसकी कॉइल को सप्लाई जाके ये पिक हो रहा है। ये जो यहाँ पे इंटरलॉक दिया रहा है ये जानने वाली बात है। देखिए ये 126.7/2 है, तो ये कैब टू का पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर है, वो यहाँ पे उसका एनसी दिया गया है। इस तरह से कैब वन का जो
एनसी इंटरलॉक है, वो कैब टू वाले पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर वाले सर्किट में दिया गया है। इसका क्या रीज़न है कि ये इंटरलॉकिंग है दोनों कॉन्टेक्टर्स की, ताकि जब हम कैब वन से बीएल लगाएंगे तब कैब टू जो है वो पहले से डीएनर्जाइज कंडीशन में है, तो वहाँ से ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे एनसी दे के इस वाले कैब को ऑन करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कैब टू पहले से ऑन है और हम कैब वन में पीएल की लगा के ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ये इंटरलॉक एनो होगा। इसी तरह से अगर हम कैब टू से ऑन कर रहे हैं लोगों को और कैब वन पहले से ऑन है, तो कैब टू ऑन नहीं होगी बिकॉज यू यहाँ पे कॉन्टेक्टर की एनसी इंटरलॉक दी गई है कैब वन की, वो एनो रहेगी और ये जो कॉन्टेक्टर है वो पिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्टर की कॉयल को एनर्जाइज करने वाला ये सर्किट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 218, ये कॉन्टेक्टर है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ कंट्रोल कॉन्टेक्टर था, इसमें सिर्फ कंट्रोल की सप्लाई जाएगी, इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाई जाएगी। मतलब जो पहले मैं बात कर रहा था कंट्रोल कार्ड्स लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड्स, वहाँ पे सप्लाई जाने के लिए ये इस कॉन्टेक्टर का पिक होना ज़रूरी है। SB1 पैनल में 126 कॉन्टेक्टर के पास में लगा रहता है। ये देखिए सेम उसी की तरह इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, कॉयल की सप्लाई और ये इंटरलॉक। सर्किट में देख लेते हैं, ये 126 का जब जैसे ही पिक हुआ तो आगे ये सप्लाई, इसकी पॉजिटिव सप्लाई 218 कॉन्टेक्टर पे जाएगी उसके इंटरलॉक पे। यहाँ पे सप्लाई इसके थ्रू चले जाएगी, जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन जब ये एनर्जाइज करवाएंगे तभी ये सप्लाई आगे जाके कंट्रोल कार्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे बर में जाएगी, सेल में जाएगी, VCU में और SR में जाएगी, तो यहाँ से वो सप्लाई जाएगी। अब ये 218 जो है वो पिक कैसे हो रहा है उसका डायग्राम स्टडी करेंगे। ये देखिए 218 कॉन्टेक्टर, इसका A1 और A2 कॉयल। तो ये देखिए 218 कॉन्टेक्टर को ऑन करवाने के लिए ये कंडीशन फिल होनी चाहिए। एक तो ये 18-19 वाला इंटरलॉक, ये NC है। दूसरा ये सेफ्टी रिले CE ऑन, ये ऑन होनी चाहिए। तीसरा ये 211 जो इंटरलॉक है, 211 का वो 13-14 NO, वो ऑन होना चाहिए। तो ये 86 क्या है, मिनिमम वोल्टेज रिले। ये जैसे हम ऑन करेंगे, जब तक हम VCV को क्लोज नहीं करेंगे, जैसे हम VCV को क्लोज नहीं करेंगे तो ये वाला इंटरलॉक NC रहेगा। तो यहाँ से सप्लाई जो पॉजिटिव है आके यहाँ तक आ जाएगी। 126.6 ये सेफ्टी रिले CE ऑन है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक ऑन करेंगे तो ये वाली रिले जो है ये पिक हो जाती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो ये वाला इंटरलॉक भी क्लोज हो जाएगा। दूसरा ये टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक रिले है, ये भी ऑन हो जाएगी इस सर्किट के थ्रू। ये बेसिकली वो रिले है जो मेरा सेल के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही है। जब तक वो 70 डिग्री से कम रहेगा तो ये जो रिले है वो पिक रहेगी। ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली पिक रहती है, तो ये जो इंटरलॉक है वो ऑन ही रहेगा। तो जैसे ही 70 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चाहे सेल 1 का चाहे सेल 2 का, तो ये जो कंडक्टर है, ये जो इसके थर्मोस्टेट हैं, ये ओपन हो जाएंगे और रिले को ओपन कर देंगे और 218 भी डीएनर्जाइज हो जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन है वो अगर एक भी कंडीशन जो फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्टेक्टर जो है वो पिक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक बार तो पिक हो गया और ये जो 86 रिले का 18-19 नंबर इंटरलॉक है, ये जब BCV क्लोज करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, तो उसके बाद तो 218 डीएनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन नहीं, बिकॉज जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगा, जैसे ही हम VCV को क्लोज करेंगे, तो मेरा ये वाले कार्ड्स फंक्शन में आ जाएंगे। इसके जो NO इंटरलॉक है वो NC होके इस कॉन्टेक्टर को होल्ड कर लेंगे, तब इस सर्किट का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। ये इनिशियली जैसे हम ऑन करते हैं वहाँ पे ये काम आता है, जब तक हम VCV को
क्लोज नहीं करते। तो ये 218 कॉन्टैक्टर को पिक करवाने वाला सर्किट इस तरह से है। नेक्स्ट है 130.1 पेंटो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। पेंटो को रेज करने के लिए इस कॉन्टैक्टर का रोल रहता है। पहले सर्किट डायग्राम से देखेंगे कि इसका ये SB2 पैनल में ये वाला वो कॉन्टैक्टर है 130.1, ये इसके ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स हैं 130.1, और ये इसका सर्किट डायग्राम है पेंटो सर्किट में 130.1। ये देखिए ये कॉन्टैक्टर हैं और ये यहाँ पे इसके इंटरलॉक्स दिए गए हैं। तो ये पेंटो रेजिंग को कंट्रोल करवा रहा है ये वाला इंटरलॉक, ये वाला कॉन्टैक्टर। तो इसको एनर्जाइज करने के लिए ये देखिए ये सप्लाई, ये इसका सर्किट है इसको एनर्जाइज करने के लिए। ये ZPT स्विच, ये ZPT स्विच 1 2, यहाँ से सप्लाई आएगी इस सर्किट के थ्रू, ये कॉन्टैक्टर जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसे ही एनर्जाइज होगा, ये वाले इसके इंटरलॉक है जो NO है वो NC हो जाएंगे। जैसे ये NC हुआ, बिकॉज ये देखिए ZPT को हम सिर्फ एक कमांड देके, अप कमांड देके इसको छोड़ देते हैं, स्प्रिंग लोडेड स्विच है तो उसके बाद तो ये डी एनर्जाइज होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सेल्फ इंटरलॉक के थ्रू ये अपने आप को होल्ड करवा लेता है इस सर्किट के थ्रू। देखिए जैसे ही इंटरलॉक क्लोज हुआ, तो उसी टाइम ये सप्लाई जो है वापस यहाँ पे जाके इसी कॉइल को ये होल्ड करवा लेगी। ठीक है, उसके बाद ये पेंटो अप कमांड ये इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में चली जाएगी और पेंटो अप हो जाएगा। तो इस तरह से ये 130.1 जो है कॉन्टैक्टर, इसका काम है। बाकी ये पेंटो रेजिंग लोरिंग का जो सर्किट डायग्राम है, ये अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये 130.1 को एनर्जाइज कैसे करना है और इसका क्या क्या काम है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कभी कभी ऐसे पेंटोग्राफ नहीं उठता तो हो सकता है ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं हुआ रहता इस कारण से। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है 126.6 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन। ये भी एक रिले है जो कि SB2 पैनल में लगी हुई है बिल्कुल इसके साथ ही। यहाँ पे 130.1 कॉन्टैक्टर दिखाया है, ये देखिए ये SB2 पैनल है, ये 126.6 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन रिले है। सर्किट में देखिए ये इसका काम क्या है, ये है देखिए सेफ्टी रिले CE ऑन। तो ये MCE ऑन रिले है जो कि हमें लोको की मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करवाती है। ये देखिए ये जो जैसे ही मैं डी में करूँगा, बिकॉज इस रिले का काम सिर्फ ड्राइविंग मोड में है, ये BL की का 1 नंबर 2 नंबर इंटरलॉक जिसके थ्रू इस कॉइल को सप्लाई जा रही है, बिकॉज ऑफ पे और सी पे ये रिले काम नहीं करेगी। तो जैसे ही हम ड्राइविंग मोड में जहाँ BL1 लगाएंगे या BL2 लगाएंगे, तो ये इस तरह से ये इस कॉइल को एनर्जाइज करवा देगी और साथ में ही एक मैसेज के लिए भी चले जाएगा कि जो आपकी कौन सी कैब एक्टिवेट हो गई है, ये वो मैसेज जनरेट करवाने के लिए कार्ड्स को भी उसी टाइम सप्लाई चली जाएगी। दूसरा ये यहाँ पे 126.6 का ये वो NO इंटरलॉक है वो रिले का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे भी MCE ऑन मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इस तरह से MCE ऑन रिले सेफ्टी रिले CE ऑन काम करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ SB2 पैनल में लगी हुई है।
SB1 पैनल में ये है वो 126.5 कंट्रोल ऑफ रिले सर्किट में इसको देख लेते हैं, उसी सर्किट में है, यहाँ पे ऑन का है। तो ये बिल्कुल जो हमने पहले रिले और पढ़ी है सेफ्टी रिले CE ऑन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका इसका काम है। तो ये क्या चीज़ है कि ये देखिए ये वो रिले है कॉन्टैक्टर कंट्रोल ऑफ। तो जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, लोको को ऑफ करने का क्या है कि जैसे ड्राइविंग मोड में है तो पहले इसको ऑफ पे ले जाके फिर सी में लेके जाते हैं और फिर उसको ऑफ में लेके आते हैं, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ऑफ हो जाती है। उस टाइम ये जो रिले है वो पिक होती है इस इंटरलॉक के थ्रू। ये कार्ड को जब ये कमांड आती है ऑफ की, तो ये इसको ऑफ करवा के ये इसको इस इंटरलॉक को ऑन करवा देगा और ये रिले फिर पिक हो जाएगी 126.5। और जैसे ही ये रिले पिक होगी तो इसका जो इंटरलॉक यहाँ 126 को दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा है कंट्रोल ऑन के लिए, तो ये क्या होगा 126.5 का जो इंटरलॉक ये खुल जाएगा और ये 126 से सप्लाई हट जाएगी और मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये रिले 126.5 का काम है और ये इस तरह से ये पिक होती है। नेक्स्ट रिले है 136.3, ये टाइम रिले VCB, VCB के लिए टाइम रिले है। ये हम VCB सर्किट में इसको देखेंगे किस तरह से ये पिक होती है। और ये SB1 में यहाँ पे 136.3 ये वाली जो रिले है ये 136.3 रिले है। तो ये VCB सर्किट मैं यहाँ पे थोड़ा ये दिखा रहा हूँ, ये जो ये वो रिले है देखिए 136.3। तो जैसे ही हम कूलिंग मोड में ये VCB को क्लोज करेंगे, देखिए कूलिंग मोड में 126.6 जो है वो ऑफ रहता है, तो यहाँ से सप्लाई जो इधर इसकी BLDJ की सप्लाई यहाँ से होके जैसे ही हम VCB को क्लोज करवाते हैं तो ये यहाँ से होके इस रिले को पिक कर देगी जो कि 1 सेकेंड ऑफ रिले है। मतलब जैसे ही ये इसकी कॉइल पिक हो जाएगी तो ये जो इसका इंटरलॉक है यहाँ पे 1 सेकंड बाद ये खुलेगा, जिससे क्या होगा कि ये ऑन पल्स जो इसकी इसको ऑन करवा देगी, उसके बाद ये सेल्फ फिर होल्ड हो जाएगा बाद में। तो ये बेसिकली ऑन पल्स देने के लिए इस रिले का काम है। दूसरा, इस रिले को यूज़ करते हैं जो हमारे MRB कॉन्टैक्टर को ऑन करवाने के लिए, जो कि VCB के ऑन होने के बाद ही वो ऑन होते हैं। प्लस इस रिले का काम आता है MCR रिले को जो सडन इनरश करंट होता है वो ना जाए, तो वहाँ पे भी इसका एक इंटरलॉक दिया गया है ताकि वो MCR जो है वो फॉल्स मेथड से ऑन ना हो जाए। तो ये जब VCB क्लोज करते हैं तो इसका एक इंटरलॉक वहाँ इस टाइमर का एक इंटरलॉक वहाँ पे दे के एक रेजिस्टेंस लगा के उसके इनरश करंट को लोअर किया गया है, कम किया गया है। तो जो इस रिले का जो VCB टाइमर का काम है ये सिर्फ कूलिंग मोड में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 136.4 VCB कॉन्टैक्टर SB1 पैनल में, ये भी जहाँ पे ये रिले लगी हुई है जो भी टाइमर रिले पड़ी है VCB की, उसी के बगल में ये कॉन्टैक्टर लगा रहता है जो कि VCB ऑन के लिए कॉन्टैक्टर है। जैसे पेंटो का कॉन्टैक्टर 130.1 है, इसी तरह से इसका जो कॉन्टैक्टर है
136.4 है जो अभी सर्किट में हम देखेंगे। ये देखिए वीसीबी कॉन्टैक्टर है ये, तो वीसीबी ऑन करवाने के लिए इस तरह से बीएलडीजे के सर्किट से ये सर्किट आएगा, इस कॉइल को ऑन करवाएगा, एनर्जाइज करवाएगा, और इसका इंटरलॉक यहाँ पे बीसीबी कंट्रोल सर्किट में, जैसे ये ऑन होगा तो ये एनओ से एनसी होके ये सप्लाई, एक तो यहाँ पे ये सप्लाई चली जाएगी। ओके, और दूसरा ये यहाँ पे इसको होल्ड करवाने के लिए इंटरलॉक, इसका जो ये वाले सर्किट से ये सेल्फ होल्ड हो जाएगा ये इंटरलॉक, जैसे हम बीसीबी को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये 136.4 जो है ये एनर्जाइज होता है, और ये वीसीबी का क्लोजिंग का ओपनिंग का सर्किट जो अलग से अलग वीडियो में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो कॉन्टैक्टर हैं वो है मेरे ऑक्सिलरी कन्वर्टर से रिलेटेड, इसका भी मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, उसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स के मेन कॉन्टैक्टर्स डिस्कस किए थे। तो उन कॉन्टैक्टर्स को ऑन करवाने के लिए, उनकी सप्लाई को, उनकी कॉइल को सप्लाई देने के लिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हैं, जैसे ये जो 52x1, 52x2, 52x3 एंड 4x5, ये जो मेन कॉन्टैक्टर्स थे इनको, इनकी कॉयल को ऑन करवाने के लिए कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स यूज़ होते हैं, जो सेम साल्ट बाउ टाइप है, जो 126/218 टाइप। तो ये जो रहते हैं इनकी लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये हमने कॉन्टैक्टर पड़े थे 52x1 by 2x3, ये बर बॉक्स के अंदर है। तो ये जो कॉन्टैक्टर हैं ये इनके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हैं, शॉर्ट बाउ टाइप, इसकी कॉयल को सप्लाई इनके थ्रू आएगी। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, बर के इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कंट्रोल करवाया गया है, तो इनकी कॉयल को सप्लाई जो है वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से जाती है, बर की कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से। जैसे ये ऑन होंगे तभी ये इंटरलॉक जो है इसका एनओ, ये सप्लाई पास करके आगे अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्टर्स को क्लोज करवाएगा। जिस तरह से एक एग्जांपल लूंगा मैं, सिर्फ एक डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे 52x1 की कॉयल को सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी बाकी जो मैंने पहले कॉन्टैक्टर्स दिखाए थे उनमें कंट्रोल जो पॉजिटिव सप्लाई कंट्रोल थी, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई कंट्रोल्ड है। ये देखिए ये A2 है, पॉजिटिव तो यहाँ से परमानेंट आ रही है एनसी इंटरलॉक के थ्रू, ठीक है, यहाँ से भी एनसी है, और ये जो है नेगेटिव पे एनओ लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव जो है वो कंट्रोल्ड है बर के थ्रू, ये कंट्रोल है। ये देखिए यहाँ से ये जो इस इंटरलॉक का सॉरी इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का ये इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है एनओ। तो ये जो सर्किट डायग्राम में ये 52x3 ये है, और ये 52x1 है, ये 52x1, ये 52.3x1। तो जैसे ये बर की कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से ये इसको इसकी कॉयल जो ऑन होगी, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा वहाँ से ये जो इंटरलॉक है ये इसकी कॉयल की नेगेटिव सप्लाई को कंट्रोल करवा रहा है। जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा और 52x1 को पिक करवा देगा। इसी तरह से 52x2 को, जो उसके बगल में ये कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये ऑन करवाएगा। सेम वहाँ पे भी इसकी जो नेगेटिव है मेन कॉन्टैक्टर की, उसकी नेगेटिव कंट्रोल्ड है इसके एनओ इंटरलॉक के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से 52x3 का भी इसी तरह से कंट्रोल है। तो ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं ये भी कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स ही बोलते हैं इनको। ये तो हो गया बर के अंदर, बर बॉक्स के अंदर जो मेन कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं उनके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। इसी तरह से
जो हमने 52x4 पढ़ा था, 52x5 जो HB1 पैनल में है, उनके भी कॉन्टैक्टर इसी तरह से काम करेंगे। और 52x4, 52x5 जो HB2 पैनल में ऑयल कंप्रेसर के, सॉरी ऑयल पंप के कॉन्टैक्टर है, और ये स्क्वेंच के कॉन्टैक्टर है। तो इनको भी देख लेते हैं डायग्राम में जल्दी से जरा। ये देखिए, ये जो है 52.3/5, 52.3/5 और 52.3/4। तो ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स हैं 52x4 के और 52x5 के, ओके, इस तरह से सेम उन, ये भी इनकी जो नेगेटिव, जो कॉयल की नेगेटिव है, इन्हीं कॉन्टैक्टर के एनओ के थ्रू कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट 52x6/1, 52.6/2, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है 52.4/2 के और 52.5/1 के, जो कि मेरी ऑयल पंप के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी नेक्स्ट है, ये देखिए, ये 52.6/1 है, उसका एनो इंटरलॉक इसकी पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल करवा रहा है 52.4/2 को। तो ये सारे थे जो ऑक्सिलरी से रिलेटेड, ऑक्सिलरी कन्वर्टर के से रिलेटेड मेन कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स थे, जिनको इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कंट्रोल करवाया गया है मेन कॉन्टैक्टर्स को पिक करवाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कंप्रेसर, SB2 पैनल में रहता है ये, और 338 कॉन्टैक्टर हेडलाइट, SB1 और SB2 पैनल में, इनको देख लेते हैं। पहले 48.2 जो कॉन्टैक्टर हैं, तो जो हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगा रहता है, बेबी कंप्रेसर, उसको ऑन करवाने के लिए एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो ये कॉन्टैक्टर है 48.2, ठीक है। ये भी साल्ट बाउ टाइप है, लेकिन 126 कॉन्टैक्टर से थोड़ा ही छोटा होता है, ये ATM पेयर का कॉन्टैक्टर है। सेम प्रिंसिपल वही है, ये कॉइल पे सप्लाई है जो कंट्रोल्ड है, और ये इसका इंटरलॉक है, ठीक है। ये सर्किट में ये देखिए, ये 48, ये ऑक्सिलरी कंप्रेसर है, और ये वो कॉन्टैक्टर है जो अभी हम दिखा रहे हैं 48.2। तो इसका जो इंटरलॉक एनओ रहता है, जब ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा तो ये NC होके कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। अब इसकी कॉयल कैसे पिक हो रही है, ये देखिए, ये प्रेशर स्विच जो लगा हुआ है ऑक्सिलरी कंप्रेसर के लिए, जो कि न्यूमेटिक पैनल पे एक गेज लगी रहती है, उसके लिए प्रेशर स्विच है। तो जैसे ये प्रेशर स्विच, ये प्रेशर 5.2 से कम होता है, तो ये कॉन्टैक्टर जो है, वो ये जो इंटरलॉक है ये क्लोज रहता है, और ये वो कॉन्टैक्टर को पिक करा के रखता है जब तक प्रेशर जो है वो 6 kg नहीं बन जाता। तो इस तरह से इस कॉयल, इस कॉन्टैक्टर की कॉयल एनर्जाइज हो रही है थ्रू दिस सर्किट, और बीच में ये प्रेशर स्विच आ रहा है जो CPA के प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है। इसी तरह से हेडलाइट के लिए कॉन्टैक्टर है, SB1 पैनल में ये लगा है, और ये SB2 पैनल में 48.2 के बिल्कुल साथ में। तो ये कॉन्टैक्टर क्या है, हेडलाइट को ऑन करवाने के लिए, ओके। सेम उसी टाइप का ये भी ATM पेयर का है, 48.2 टाइप का ही है ये भी, इसकी कॉयल है और ये इसका इंटरलॉक है। तो ये एनर्जाइज कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये हेडलाइट का सर्किट है, ये वो कॉन्टैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये क्या है, जैसे ही हम इधर इसको फ्रंट या रियर में लेके जाएंगे, ये देखिए, ये कैब 1 है, कैब 1 का ये हेडलाइट स्विच है। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टैक्टर पिक कैसे हो रहा है,
ये तो फ्रंट का है, फ्रंट की हेडलाइट जलानी है तब होगा, और अगर रेयर की जलानी है तब ये कॉन्टैक्टर जो है वो पिक होगा। ये देखिए इसकी कॉयल यहाँ, एक तो यहाँ से पिक होगी, जैसे हम मान लीजिए कैब वन में है तो फ्रंट की हेडलाइट जलानी है, तो ये जो इंटरलॉक है जो जो अभी एनओ है, जो अब फ्रंट इसको फ्रंट पे लेके जाएंगे, फ्रंट वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर दूसरी कैब से इस कैब का बल्ब जलाना है तो इस कैब में वो रेयर हो जाएगा, तो जैसे ही हम इसको रेयर में थ्रो करेंगे तब ये एनसी हो जाएगा और हेडलाइट कैब वन की जल जाएगी। इसी तरह से जब कैब टू में है तो फ्रंट का जब सेलेक्ट करेंगे तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, या फिर अब अगर कैब वन से फ्रंट का रेयर वाली जलानी है इसकी तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये कैब हेडलाइट के कॉन्टैक्टर हैं। नेक्स्ट लास्ट में ये कॉन्टैक्टर बचे हैं एमआरबी के लिए, जो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। तो एमआरबी जैसे हम वीसीबी क्लोज करते हैं, ये कॉन्टैक्टर जो है वो 10 सेकंड के बाद पिक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एमआरबी मोटर है वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है, तो उसमें दो कैपेसिटर पहले पैरेलल में रहते हैं, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिक होता है तो इसका एक एनसी इंटरलॉक कैपेसिटर एक कैपेसिटर के सीरीज में दिया गया है। जैसे ही ये 10 सेकंड बाद इस टाइमर में 10 सेकंड टाइम दिया गया है, जैसे ही ये टाइमर इलैप्स हो जाएगा 10 सेकंड बाद, ये कॉन्टैक्टर तब क्लोज होगा और वो एनसी इंटरलॉक एनओ होके जो मेरा एमआरबी का स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको सर्किट से निकाल देगा और रनिंग कैपेसिटर से वो चलता रहेगा। ये HB1 पैनल में लगा हुआ है, ये MRB1 के लिए है, और ये HB2 पैनल में 54.2/2। तो ये सारे मेरे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के लिए कॉन्टैक्टर्स थे। शायद हमने ये वाला छूट गया है, इसको डिस्कस करते हैं। 211 210 टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक रिले, ये वैसे हम पहले सर्किट में देख चुके हैं, जब 218 को पिक करवाने के लिए हम सर्किट देख रहे थे, तो ये वो टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक रिले है 211। तो ये नॉर्मली पिक ही रहती है जब तक मेरा टेम्परेचर जो सेल का है 70 डिग्री से कम रहेगा, जैसे 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिले जो है ये डीएनर्जाइज हो जाएगी, जिससे क्या होगा ये जो इंटरलॉक है इसको वो ओपन करवा देगा, और ये टेम्परेचर ये जो है ये मैसेज भी जनरेट करवा देगा। तो मान लीजिए अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है और मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला जो इंटरलॉक है वो एनो रहेगा और मेरा 218 जो है वो पिक नहीं होगा। तो ये थे सारे कंट्रोल कॉन्टैक्टर जो G9 3 फेज लोको में यूज़ हो रहे हैं। धन्यवाद।